तक इस राज में किसी ने मांगा नहीं। आपको मालूम है, कोल इंडिया जैसी संस्था, इस देश में सबसे अधिक कोयला झारखंड से निकाला जाता है और कोयला का बकाया पैसा भारत सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपया है। जब हम सरकार में आए तो हमने अपना अधिकार मांगना शुरू किया। केंद्र ने भी कहा कि हाँ देंगे देंगे देंगे, लेकिन झुंझुना दिखाता गया। और इससे पहले 20 साल तक जिन सरकारों ने राज किया, कभी भी अपना अधिकार नहीं मांगा। और ये पैसा आपका पैसा था और ये पैसा आज देने में आनाकानी करते हैं, चाहे वो पैसा बकाया का बात हो, चाहे गरीबों का आवास की बात हो, चाहे वो आपदा में सुखाड़ का राहत का मुआवजा हो, कुछ भी नहीं ये दे रहे। आज अपने बल पर हम लोग इस राज को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाला चुनाव के बाद ये राज 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इस राज को बीमारू राज बना दिया। लेकिन विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने इस राज के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और इस राज में जो ताकत भरने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से 2025 में हम इस राज को उस जगह पर ले जाके खड़ा करेंगे जहां ये राज को किसी का बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हक अधिकार के लिए थोड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है। उसके लिए कभी कभी लंबी आंदोलन भी करनी पड़ती है। आपको याद होगा, किसानों के लिए जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, 1 साल से अधिक किसानों ने दिल्ली को घेर के रख दिया और 1 साल के अंदर दर्जनों किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में। लेकिन दिल्ली से टस से मस नहीं हुआ हमारा किसान देश का, और उन किसानों के बदले वो काला कानून लागू नहीं हो पाया। अगर वो काला कानून लागू हो जाता तो इस देश में एक भी किसान देखने को आज नहीं मिलता। इसलिए हक अधिकार की लड़ाई के लिए कभी कभी सड़कों पर भी आना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है। इसलिए हम आज इस बड़ी सभा से जानना चाहेंगे, आपका अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो इसीलिए अभी हमारे पास अगर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया, जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला, और सब राज्यों को मिलता है, अगर वो 1,36,000 रुपया हमको मिल जाता तो इस रात के 7 पीढ़ी को हम लोग बैठा के खाना खिलाते। लेकिन ये लोग कहां से, ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये लेने वाले लोग हैं। आज आप देख लीजिए, और बड़ा चतुराई से आपका जमा पूंजी लूट लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आज गैस सिलेंडर जो मुफ्त में महिलाओं को बांटा था, वो बेचारा आज गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि मुफ्त का सिलेंडर अब घर का एक कोना में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बड़ा सा खांचा रखा हुआ है, उसमें कुछ कचरा रखता है लोग, कोई गरीब नहीं खरीद पाता है। महंगाई आसमान छू रहा है, आलू तेल के लिए लोगों को लाइन में, सरकारी दुकान के लाइनों में लगना पड़ता है। और 2014 से लेकर आज तक पूरा देश का लोग विभिन्न समस्याओं से सिर्फ कतारों में ही लगे हैं। कभी नोटबंदी कर दो, कभी अनाज महंगा कर दो, कभी उल्टे सीधे ऐसे कानून को नीति निर्धारण करो कि इस देश का लोग तबाह तबाह रहे। सिर्फ चुनावों में
झूठे वादे करते हैं, सभी को नौकरी देंगे, नौकरी कहां मिल रहा है?